भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या पहुंची 94 करोड़ के पार। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर बॉडी सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2017 तक के लिए टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के आंकड़े जारी किए हैं। सीयूआई की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास 948.54 मिलियन यानी कि करीब 94 करोड़ 85 लाख यूजर्स हैं। इसमें जुलाई 2017 तक के जियो के नए ग्राहक भी सम्मिलित हैं। सभी कंपनियों को पछाड़ भारतीय एयरटेल ने 29.6% यानी कि करीब 28.10 करोड़ यूजर्स मार्केट शेयर के साथ पहला पायदान हासिल किया है। वहीं 20 करोड़ 81 लाख यूजर्स के साथ वोडाफोन दूसरे स्थान पर और 19 करोड़ 10 लाख के साथ आइडिया सेलुलर तीसरे स्थान पर है। वोडाफोन यूजर्स को फोन खरीदने पर मिलेगा 900 रुपए का कैशबैक। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने घरेलू फोन निर्माता कंपनी लावा के साथ साझेदारी की है। इस करार के तहत वोडाफोन कंपनी अपने यूजर्स को लावा का फोन खरीदने पर 900 रुपए का कैशबैक देगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर तक वैध है। इस ऑफर का लाभ कंपनी के नए और मौजूदा यूजर्स उठा पाएंगे। वोडाफोन में एसोसिएट डायरेक्टर कंज्यूमर बिजनेस अवनीश खोसला ने कहा, हमें विश्वास है कि वोडाफोन की ये पेशकश उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर उत्कृष्ट सेवाओं का अनुभव प्रदान करेगी। इस ऑफर के तहत यूजर्स को 900 रुपए का कैशबैक एक साथ नहीं दिया जाएगा। गूगल ने भारत में लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट ऐप तेज। टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल ने भारत में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दिया है। इसके लिए खास ऐप उपलब्ध है जिसका नाम तेज है। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है और इसे फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च कर दिया है, यानी अब पेटीएम को टक्कर देने के लिए गूगल अपने इस ऐप के साथ तैयार है। तेज ऐप के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, यानी इसके लिए गूगल कोई कमीशन नहीं लेगा और पैसे आपके बैंक में सेफ रहेंगे।